बाबून की जानिब, और इसका बेसिकली जीप ट्रैक कुछ ऐसा है स्टार्ट में इनिशियली, आगे से चेंज होता है तो हम आपको दिखा देते हैं। और जो साथी हैं हमारे साथ वो इस टाइम ये सब हैं, ये साथी नहीं हाथी है, इसके अलावा बाकी जो हैं वो साथी हैं। हम आठ लोग हैं इस जीप में, ये ड्राइवर है हमारे भाई, क्या नाम बताया था भाई? राजा शफात भाई, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ड्राइवर है। शफात साहब का नंबर भी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, इसको उल्टा करके पढ़ना आपने। तो ये आप मिलते हैं आगे बाबोन में, थैंक यू। जनाब हम जीप ट्रैक पे थे, थोड़ा लैंड स्लाइडिंग हुई है तो हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। हम अभी जब भी टॉप से आगे हाइकिंग करने वाले हैं, तकरीबन 8 किलोमीटर की वन वे हाइकिंग है मे बी, और बहुत ही खूबसूरत वैली है, असीम भाई अभी आपको दिखाएंगे। जीप हमारी रुक गई है क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हुई है, और इंशाल्लाह लबैक करेंगे इंशाल्लाह जी, आगे जाते हैं। उमेर भाई हमें गाइड करें, और उमेर भाई ये सदर्न पंजाब ट्रेवल कर रहे हैं, ये लैंड स्लाइडिंग है, ये लैंड स्लाइडिंग है इंशाल्लाह। यहाँ से हम पैदल शुरू करेंगे, बहुत हाइक है ये, वैसे छोटा लग रहा है ये, कम से कम हमें कोई 3-4 किलोमीटर की हाइक करनी पड़ेगी इस सारे रास्ते में। अब वो देखेंगे घर कितने छोटे छोटे, तो वो देखेंगे ये मुख्तलिफ गाँव रास्ते में जो आएंगे, तो बहुत हाइक करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे और ऊपर पहुँचेंगे इंशाल्लाह, ऊपर थोड़ा मिलेगा लेकिन। ये हमारी जीप खड़ी है, जीप वहाँ पर होती है। बाबून वैली का ये ट्रैक ट्रूली अनएक्सप्लोर्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अनडाउटेडली बहुत ही खूबसूरत और शानदार मनाजिर से भरपूर है। ये ट्रैकिंग में हमें अब ये क्रॉस करना है, ये देखें जी कितने प्यारे मंजर हैं भाई, थोड़ा सा आउट ट्रैक होना पड़ेगा। अभी ये प्रो टिप देने लगे हैं खुरम भाई, खुरम भाई यार खुरम भाई की प्रो टिप्स हमें काम आएंगी, ये वायरल हो सकता है, सॉरी जरा शॉर्ट में बता, नॉट पॉसिबल भाई, ये लास्ट से एक दो चीजा लाना चाहिए और उसके बारे में बड़ी अहम अहम मालूमात दे रहे हैं, एक बैल एक बैल जरा कान ना धरिएगा, इग्नोर करें क्लास का यार, ये क्या की बातें कर रहे हैं, खुरम भाई ने भी कहा है कि एक बैल की कीमत तुम क्या जानो, एक अच्छी सी दोषी था। बारिश होगी ना तो आप जीप में नहीं जा सकते। खुरम भाई हमें पीछे डीमोटिवेट करते हुए, और ये हमारे अमीर हैं, आप सोचे उनकी सीधी बातें भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने कानों में कॉटन थोड़ी सी डाल ली है। हमारे रहबर आज गाइड भी हमें कर रहे हैं मेहर भाई, ये पीछे हमारे अमीर आ रहे हैं खुरम भाई, जाना बहुत दूर है, अनएक्सपेक्टेड ये हाइक करने जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे प्लान में ये था कि टोटली जीप ट्रैक होगा और हम डायरेक्टली बाबून वैली टॉप पे ही जाके स्टे करेंगे, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से प्लान में थोड़ा सा चेंजिंग आई है और हमारी हाइकिंग स्टार्ट हो गई है। ये कुछ साथी आगे हमारे जा रहे हैं और एक साथी हमारा पीछे, उसने हिम्मत ही नहीं की आने की, सीन्स कुछ ऐसे। उमेर भाई बिल्कुल बिल्कुल, उमेर भाई हमारे स्टाइल आइकॉन है, ये देखें आप लोगों ने ना यहाँ आना लाजमी है, बिल्कुल बिल्कुल, मकसद यही है, बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग नीलम होके नीचे नीचे चले जाते हैं ना, कोई फायदा नहीं है उसका, बिल्कुल नेचर को देखते हैं तो यहाँ है। ये बिल्कुल उमेर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, लोग गलती करते हैं, कुछ फेमस पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वहीं जाते हैं, जैसे कि केल अड़ंग केल,
शारदा इधर से होके वापस चले जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि बाबून वैली भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। थैंक्स टू मेहर भाई, इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ आएँ और फ्रॉम जबरी टॉप इसको हाइकिंग को ही चूज़ करें। भाई साहब थोड़ी सजेशन लेते हुए उमर भाई। हाँ जी, कुछ साथी ट्रैक करके आ रहे हैं, पीछे रह गए हम, थोड़ा सा ऊपर हैं। ये एक भाई आ रहे हैं फारूक और अहमद भाई सबसे आगे छा गए हैं जी, इनका स्टैमिना सबसे ज़्यादा अच्छा है, हम सबसे आगे हैं और थोड़ा सा रह गए यहाँ हमने जाना है। बहुत ही प्यारी वैली है बाबून वैली, अनएक्सप्लोर्ड, लोग नहीं आते यहाँ यूजुअली, लोगों को पता ही नहीं है और कोई इतना बड़ा रिस्क लेना भी नहीं चाहता। बेसिकली जीप तो आ जाती है, बहुत टफ ट्रैक है लेकिन हम रास्ते में आ रहे थे लैंडस्लाइडिंग की वजह से, अब हमें आना पड़ा है पैदल और हम पिछले 1.5 घंटे से शायद, मुझे एक्सैक्ट टाइम नहीं पता लेकिन हम हाइकिंग कर रहे हैं। ये देखिए सीन्स कुछ ऐसे हैं, फिसलन है। तो ये है बाबून टॉप, आखिरकार हम पहुंच गए। कंटिन्यूसली तकरीबन 3.5 घंटे की हाइक थी एंड वी आर देयर। ये देखिए जी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेडोज हैं और बाबून टॉप है। मैं पहुंच चुका हूं और बाकी लोग हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने रास्ते में ही गिव अप कर दिया और अभी इधर ना आए, हम वापसी भी उन्हें इंशाल्लाह पिक करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, एक एडवेंचरस ट्रैक था और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगा जो एडवेंचर लविंग पीपल हैं और टूरिस्ट हैं, इधर नीलम वैली भी आते हैं, उनसे उनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि बाबून वैली ज़रूर आए। और उमर भाई आ गए, हमारे रहबर थे इस पूरे ट्रिप। यस, और तकरीबन 3.5 घंटे या 3 घंटे, सवा तीन घंटे। 4:00 कितना मिनट हुए? अच्छा, क्या फीलिंग है उमर भाई? 4:02, 3.25 घंटे जी मैक्सिमम। और हम ऐसा था कि वेट किया, बहुत प्यारा है यार, मेस्मराइजिंग व्यूज हैं, थकावट उतर गई है ऑलरेडी। माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह मेहर भाई, हे माशाल्लाह, क्या फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे सर? मजा आ गया, आगे मजा आ गया, ऊपर आते ही मजा आ गया। ट्रैक भी पूरा बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। वाओ, मैंने बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं लेकिन ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है, लेकिन ये ऊपर आके मिडोज ये बर्फ अभी तक पड़ी है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सितंबर हो चुका है, अभी तक ये स्नो पड़ी है। अच्छा, लेकिन जीप थोड़ा और ऊपर तक भी लेके जाती है, मिडो एक ऊपर भी है। हम जबरी टॉप से थोड़ा सा नीचे से हमने स्टार्ट किया था, ऐसे ही हमने जबरी टॉप के लिए स्टार्ट किया। हाँ जी, फारूक और आसिम भाई
आगे हैं, क्या सीन है? पहुंच गए हैं। लालमा कोका कोला पिला। बस घबराना नहीं है। 8.5 किलोमीटर हमें बन गए हैं चलते हैं। ओह वाओ। तो लेकिन और हमें पता नहीं लगा। हमारा चाहिए लास्ट भी वर्थ इट है, अभी थकावट सारी खत्म। बिल्कुल बेशक। आधे घंटे भी यहाँ रह लें तो फ्रेश है। दोबारा इतना भी दोबारा कर सकते हैं। अच्छा अब ये इस इनके लिए मैं स्पेशली कुछ ना होना चाहिए। क्लैपिंग 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 जबरदस्त सुपर्ब अमेजिंग। अहमद का सीन ये था कि अभी वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी एक, उसमें अहमद जो पहला जीप का ही जहाँ से जीप ने गुजरना था और वो मॉडल के ऊपर से गुजरने की लकड़ी का बना हुआ था, वहीं पर जो है ना अहमद डर रहा था काफ़ी, उसकी हमने वीडियो भी बनाई। लेकिन उसके बाद भाई को क्या मोटिवेशन हमारे ने दी है या कैसे मोटिवेट हुए हैं, थोड़े से मैंने टिप्स भी दिए थे हाइकिंग के, शायद वो भी थोड़े से काम आए हो। अहमद 75% बल्कि 80% रास्ते में हम सबसे आगे था, यहाँ पे आके भी हमारी वजह से और हम इन्हें ड्रॉप करने लगे थे सीट से। अहमद का वेट 110 kg है। 110 kg के साथ ज़बरदस्त, मतलब आर्ट में अप्रिशिएट किया जाए काम में। हाँ जी अहमद भाई, वेल डन अहमद। फारूक भाई यार वेल डन अहमद, क्या कहना चाहेंगे? बस दोस्तों की हिम्मत चाहिए, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। आपकी ये आपके प्रैंक हुआ है या कुछ भी नहीं है? हाथ हिला दे, हाथ हिला दे, ये।